press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Acha, okay. And it's as you saw, there are 200 artists who are exhibiting. शो कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं दूंगा क्योंकि आपने ऑर्गेनाइज़ किया है और 200 आर्टिस्टों को यहाँ इकट्ठा किया है। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एग्जीबिशन अटेंड किए हैं, लेकिन इसमें मुझे थोड़ी एक यूनिकनेस दिख रही है, काफ़ी डिफरेंट कलाकार जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। और एक कलाकार होने के नाते मैं थोड़ा सा फील कर सकता हूँ उनका ब्रश कैसे चलता होगा, क्योंकि हम भी कभी बार अपना काम करने के लिए हम भी सोचते हैं कि ये कैरेक्टर किस तरह बोलता होगा, क्या कहता होगा। तो उस तरह मुझे लगता है कि इनका पेंट कैसे चला होगा, इनका ब्रश कैसे चला होगा, क्या फील रहा होगा इनके अंदर, थोड़ा सा मैं महसूस कर सकता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी गुड, कलर्स आर वेरी नाइस। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा आपको, ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और इतने कमाल के आर्टिस्टों को हिंदुस्तान से इकट्ठा करके एक जगह लाना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंकरेज होंगे इस एग्जीबिशन से और आगे भी इसी तरह लोगों को, आर्टिस्टों को इकट्ठा करते रहेंगे। तो मेरी शुभकामनाएँ उन तमाम 200 आर्टिस्ट जो यहाँ पर आए हैं, दिल से मैं उनको बहुत बहुत गुड लक एंड ऑल द बेस्ट कहता हूँ। मैं पेंटिंग नहीं करता हूं, लेकिन पता नहीं, जैसे कहा मैंने कि मुझे फील ज़रूर होता है पेंटिंग के बारे में, कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पहले, पेंटिंग से पहले एक सोच आती है। तो वही सोच एज एन एक्टर हम भी अपने अंदर लाते हैं। मुझे नहीं मालूम होता कि जो मैं रोल करने जा रहा हूं वो कैसा हो, उसे भी मैं खुद पेंट करता हूँ अपने मन के अंदर कि ये, वो जो मेरे अंकल थे वो इस तरह करते थे, वो इस तरह करते थे। तो ऐसा ही कुछ मुझे लगता है कि जब ये सोचते होंगे कि हमें ये चीज़ बनानी है, कुछ ना कुछ उनके जहन के अंदर आता होगा, वो ब्रश चलता होगा दिमाग के अंदर, भले हाथ में नहीं है, फिर वो चीज़ सामने आती है, इसीलिए तो वो कलाकार है। तो बहुत बहुत वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू पीपल इनवाइटेड मी हियर। I'm very fond of art and I collect a lot of art, so I was hugely impressed by seeing the works. Some of the artists are very, very good and I think they should be encouraged and supported. I very much appreciate that he's taken time to come and be here with the artists, and it's very great of him, otherwise people who are busy like him would not have any time. And I'm very impressed with the work, and I'm very impressed with these people that they've supported younger artists and got so many artists together. Today, the artists are there, but for them to display their work, show it to the public is very difficult. So an exhibition like this is very interesting, where a lot of artists are there together and they can display at a very, very low cost, I'm told he has done. And I think it's a great public service to the art community, and I'm very happy once again for being called and invited here. And I love the works and I'm very impressed with the work. Thank you. Manjuji, your thoughts? मैं ये कहती हूँ कि कला कला हमारे जीवन की रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और भारतीय परंपरा के अनुसार ये परम विद्या का सनातन पक्ष है। और हर मानव के अंदर एक कला छिपी रहती है, चाहे संगीत कला हो, चित्रकला हो या हस्तकला, कोई भी तरह की कला है, हम सबके अंदर कहीं न कहीं है। जैसे मैं लेखिका और कवियत्री हूँ, मैं पेंटिंग नहीं कर सकती, लेकिन उसकी फीलिंग को समझ सकती हूँ। कई बार हम एक चित्र देखते हैं कि उटांग पटांग है, इसमें क्या होगा, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें और हमारे मन का संस्पर्श जब चित्रों के साथ अगर जुड़ जाए ना, तो सारी जटिलता का हल हमें मिल जाता है। तो कला को समझने की ज़रूरत है और ये हमारी प्रारंभिक समझ, ये हमारे अंदर ही बसा है, खून में है। मूर्ति कला कब से बनी होगी, आप देखिए चित्रकला कब से शुरू होगी, आज भी मोहनजोड़ा हड़प्पा में देखते हैं तो हम चित्रकला तब से शुरू है। इसी तरह संगीत का भी है। तो ये सारी चीज़ें, मैं तो सोचती हूँ कि मनुष्य को अगर तनाव से मुक्त होना है तो किसी न किसी कला को जीवन में अपना लेना चाहिए। सुजीत जी, आपको शो कैसा लगा? इन्फिनिटी इज़ द वर्ड फॉर आर्ट। I think there's a lot of diversification in these paintings, and it actually builds out a lot of thought process. Any painting that you see triggers thoughts, and each thought is unique, each painting is unique. It's amazing, it's an awesome exhibition. Thank you. Satish ji, Sharad ji and Mr. Jana. Hello. आप बताइए आपको कैसा लगा आज ये सब आए, and you had a great inauguration. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर एवरी वन। तो आप आज लग रहे सब फिर से वापस दूसरे कोई कलाकार लोग ही हमारे पास आए। हम लोग सोच रहे थे कि एक्टर आए, बट नहीं, हमारे पास तो बहुत अच्छे कलाकार आ गए हैं। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो जीवन में एक चीज़ कहती हूँ, कभी हार से बचने के लिए नहीं खेलना, खेलना है तो जीतने के लिए खेलना। इसमें दो में बहुत डिफरेंस है। अल्टीवल ये मल्टीफेसिटेड आर्ट एग्जीबिशन एक्चुअली भारत के देश विदेश के मतलब भारत में जो भी अलग अलग प्रांत के इसमें से लगभग 200 आर्टिस्ट लगभग उनकी 3000 कलाकृतियाँ इसमें डिस्प्ले की हुई है। तो हमारा एक मकसद है कि जितने भी यंग आर्टिस्ट है, सीनियर आर्टिस्ट, मास्टर आर्टिस्ट, उनके साथ में उनकी कला उनके साथ में डिस्प्ले होती है तो यंग आर्टिस्ट भी उसमें इंस्पायर्ड हो जाते हैं। तो ये हमारा मकसद है कि आगे जाके बड़े लेवल पे भी उनको एक्चुअली आजकल प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट को नहीं मिल रहा है। जैसे कि जहांगीर आर्ट गैलरी से 7 साल के बाद आर्टिस्ट को मतलब उधर बुकिंग मिलते है, वो भी कंफर्म नहीं होता है। तो क्या इसके लिए हम लोग एक किया कि एकदम नॉमिनल चार्जेस लेके आर्टिस्ट को अच्छा प्लेटफॉर्म। दिस इज़ जस्ट लाइक क्यूरेटेड शो। सब जितने पेंटिंग देखेंगे तो सिलेक्टेड हम लोग सिलेक्टिव वर्क रखे हुए हैं शो में। तो हमारा आगे भी ऐसा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट को मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म आगे भी बड़े लेवल पे हम लोग शो करें और आर्टिस्ट को जितने भी इसमें पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट हैं सबको हम हमारे तरफ से बधाई दे रहे हैं और हम अगले टाइम पे बड़े लेवल पे एक शो करेंगे, ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू एवरीबॉडी, जो भी गेस्ट लोग सब लोग आए, सबके लिए अच्छा थैंक्स बताओ। बाकी सब हमारे पार्टनर लोग ने तो बोल ही दिया है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें। फेल्ट वेरी हैप्पी टू ऑर्गेनाइज थिंग। थैंक यू। थैंक यू। ऐसा क्या कहना चाहेंगे? एग्जीबिशन आपने जस्ट अभी देखा, मोर देन 200 आर्टिस्ट एक ही छत पे, इतने जन के आर्ट, कैसे लगा एग्जीबिशन? जस्ट योर फ्रॉम इट्स माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अमेजिंग है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुझे आर्ट और आर्टिस्ट दोनों के लिए बहुत बहुत प्रेम है, इसलिए आपने देखा मैं एक एक उसमें हम जा रहे थे, देख रहे थे। मैं काफ़ी टाइम से अपने आप को एक आर्ट अप्रिसिएशन, मुझे काफ़ी उसका मैं देख के काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, मैं कलेक्ट भी करता हूँ काफ़ी टाइम से। और एक्चुअली जब मैं मुंबई आया था तो उस वक्त जब काम नहीं होता था तो टाइम निकालने के लिए मैं इधर काला घोड़ा एरिया में जाता था, जहांगीर ये वो, और आर्ट एग्जीबिशंस देखता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मैं जो समय उस टाइम मेरे पास था काफ़ी सारा उसमें गलत काम हो। तो पॉजिटिव काम करने के लिए मैं आर्ट गैलरी में जाके वो देखता था, और देख 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 के उस टाइम पे मुझे एक अप्रिसिएशन हुआ और अलग अलग आर्ट का एक एजुकेशन भी मिला मुझे। तो आप कह सकते हैं मुंबई में आने के बाद एक स्ट्रगलर का जीवन देखते देखते उस टाइम पे मैंने एक आर्ट एजुकेशन, आर्ट कॉन्सियर आप कह लो या कुछ भी कह लो, एक उसका अप्रिसिएशन भी उस टाइम से बना मुझे। अगर आप आज भी आप हमारे घर आएंगे तो मतलब दीवारों पर जगह नहीं है क्योंकि परवीन जी इतना आर्ट कलेक्ट करते हैं। हम दोनों को आर्ट बहुत ही पसंद है, और आज यहाँ आकर आर्टवन में मैं यही कहना चाहूँगी, जो ख़रीदार आएगा उसे चूज़ करना बहुत मुश्किल होगा कि वो कौन सी पेंटिंग खरीदे, क्योंकि देयर इज़ सो मच टैलेंट, इतना टैलेंट है आज इस रूम में भरा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इस टाइम पे यहाँ पे आई हूँ, और यहाँ सब इंडिया के आर्टिस्ट हैं। एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर। एक्चुअली बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ पे एटमॉस्फेयर में। ओके, बहुत सारा आपने देखा पेंटिंग, ऐसे कोई एक पेंटिंग जो आपको दिल को बहुत छू गई, बहुत करीब, बहुत सारे थे ऐसे एक्चुअली कहना मुश्किल। एक्चुअली बहुत शॉर्ट टाइम था हमारे पास, तो हम यहाँ पे तो आई थिंक 3-4 घंटे आराम से बिता सकता है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल, वो कई सारे ऐसे पेंटिंग थे तो ये लगता है ये भी बेस्ट है और ये भी बेस्ट वो, और क्योंकि हर स्टाइल अलग है तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते, बट जो क्वालिटी जो है यहाँ पे काम का, इट्स एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, बहुत ही अमेजिंग है। मैं सब ऑर्गेनाइजर्स को, सर को, मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा सबको, जो उन्होंने इतने अच्छा आर्ट एग्जीबिशन इकट्ठा किया और इतने सारे आर्टिस्ट को, इंडियन आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म दिया इतना अच्छा, इतना बड़ा, और हम जैसे जो देखना चाहते हैं आर्ट को उनके लिए एक ये बनाए। Okay, as we all know, you are an art lover. So in future, we will be able to see you as a painter. Not a painter. मेरे ख्याल में मेरे में वो कला नहीं है कि मैं एक ज़रा सा भी इनके करीब मैं आ सकूँ। हाँ, मैं अपने आप को एक हॉबीस्ट फोटोग्राफर ज़रूर मानता हूँ, वही उसका शौक़ है मुझे, और मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि उसमें मेरे में कला है, थोड़ा सा टैलेंट है, कुछ इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते हुए। लेकिन आर्ट जहाँ पे पेंटिंग वगैरह देखे तो मैं कहूँगा मुझे देखना अच्छा लगता है, वो कला वो वाली चीज़ मेरे में नहीं है कि मैं कोई भी आर्टिस्ट नहीं है। बिल्कुल, इन्होंने बहुत कमाल का काम किया। थैंक यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू।